All at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima, going to start today's topic that is reproductive and child health. Child health, जैसा कि सभी को पता है, child के health के बारे में less than 18 years तक age group. Reproductive health की बात करते हैं तो reproductive health किसी भी human की जो ability होती है reproduce करने की, okay, और fertility को go through करने की, तो जो human की ability होती है fertility की, okay, वो आएगा reproductive health में. और जो ह्यूमन की एबिलिटी होती है मीन्स जो भी उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसमें वो बिना किसी मीन्स प्रेगनेंसी के फियर के वो जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन कर पाते हैं या फिर बिना किसी कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज के फियर के जो हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ वो आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या बात करेंगे कि जिसमें ह्यूमन की जो एबिलिटी होती है मीन्स प्रोडक्शन करने की रिप्रोड्यूस करने की रिप्रोडक्शन की जो एबिलिटी होती है या फिर फर्टिलिटी की एबिलिटी होती है मीन्स जिसके थ्रू वो गो थ्रू करते हैं प्रेगनेंसी से और एक हेल्दी लाइफ बर्थ करते हैं एक हेल्दी चाइल्ड को बर्थ देते हैं तो वो सारी चीज़ें आएंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. तो जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस था उसमें मेन फोकस जो था वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे था कि किस तरह से ह्यूमन को एबल किया जाए कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टेज में जाएं फिर हेल्दी बेबी को बर्थ दें. तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उन्होंने इंक्लूड किया उसके हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया. इसके बाद इसका जो फोकस था मेन कि वो फर्टिलिटी को कंट्रोल किस तरह से किया जाए फर्टिलिटी कंट्रोल किया जाए या फिर रिड्यूस फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस किस तरह से किया जाए तो इस पर इसका मेन फोकस था पॉपुलेशन कंट्रोल. इसके अलावा जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है उसको कम करना या फिर इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है उसको कम करना चाइल्ड सर्वाइवल रेट को बढ़ाना फैमिली प्लानिंग प्रोवाइड करना फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करना ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में आई. ओके तो शुरू करते हैं. द प्रोग्राम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1997. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया अक्टूबर 1997 में. डेफिनेशन की बात करें तो इन ICPD एट कैरियो फतेला डिफाइंड RCH एज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन एंड प्रोसेस इन ICPD एट कैरियो. ICPD मीन्स होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट. ओके इसका फुल फॉर्म होता है एट कैरियो में फतेला ने डिफाइंड किया था अ स्टेट ऑफ मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए इससे फंक्शन से रिलेटेड प्रोसेस से रिलेटेड जो हेल्थ होता है वो कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग हेल्थ होता है बिना मीन्स ऐसा नहीं कि कोई अब्सेंस और डिजीज नहीं है इन्फॉर्मिटी नहीं है तो उस केस में ऐसा नहीं है यह एक कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग को डिनोट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इस चाहे इसका फंक्शन हो या फिर इसका प्रोसेस हो उसके बारे में. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया या फिर इससे रिलेट कर सकते हैं अदर वे में बोल सकते हैं स्टेट्स इन विच पीपल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट देयर फर्टिलिटी रेट आर एबल टू गो थ्रू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. पीपल की एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की और रेगुलेट करने की फर्टिलिटी रेट को और गो थ्रू जाने की प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के. द आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी सक्सेसफुल इन टर्म ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड वेलबींग एंड कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशन फ्री ऑफ द फियर ऑफ प्रेगनेंसी एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीजेज. जो आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी का वो सक्सेसफुल होता है इन टर्म ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट सर्वाइवल एंड वेलबींग. जो मैटरनल और इन्फेंट का सर्वाइवल और वेलबींग है वो अगर मीन सेफ है मदर हेल्दी है बेबी हेल्दी है तो वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल माना जाता है आउटकम जो होता है उसका सक्सेसफुल होता है. कपल्स आर एबल टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप. जो कपल्स होते हैं वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बिना किसी प्रेगनेंसी के फियर के या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज के फियर के कर पाते हैं. तो ये जो एबिलिटी होती है वो आएगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. वो ये सारी चीज़ें जो थी RCH फर्स्ट में मीन्स इसके बाद RCH सेकेंड जो आई सर्विसेज हम आगे देखेंगे. ओके तो RCH फर्स्ट के बाद RCH सेकेंड आया. RCH फर्स्ट में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी वो मीन्स जो भी नीडी पर्सन थे या फिर पुअर पर्सन थे उन लोगों की रिच में नहीं थी उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था. जो RCH प्रोग्राम सेकेंड फेज टू आया इसमें इसका मेन फोकस जो था कि जो भी रूरल एरियाज है वहाँ पर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए सर्विसेज को पहुँचाया जाए या फिर अंडर सर्व पीपल जो है जो पॉपुलेशन है वहाँ पर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाए.
इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल फर्स्ट 2005, स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2005 से. द आरसीएच टू विजन आर्टिकुलेट्स इम्प्रूविंग एक्सेस यूज एंड क्वालिटी ऑफ आरसीएच सर्विसेज स्पेशली फॉर पुअर एंड अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन. स्पेशली पुअर और अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन के लिए था, इम्प्रूव करना एक्सेस को, यूज एंड क्वालिटी ऑफ आरसीएच सर्विसेज को. ओके, मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी विथ एम्फेसिस ऑन रूरल हेल्थ केयर. इस प्रोग्राम का जो मेन फोकस था कि जो रूरल हेल्थ है, मीन्स रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनमें मैटरनल और चाइल्ड की मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करना, मेन फोकस करना रूरल हेल्थ पे, रूरल एरियाज पे. ओके, तो आज से जो सेकेंड फेज था उसका जो मेन एम था, फोकस था, वो मैटरनल और चाइल्ड मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी को कम करना था, और जो मेन इम्फेसिस था, मेन फोकस था, वो रूरल हेल्थ पे था. ओके, जो इसमें न्यू इनिशिएटिव आया वो था ट्रेनिंग ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स इन लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स फॉर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर. जो ट्रेन करना था इसमें एमबीबीएस डॉक्टर्स को, वो हेल्थ केयर स्टाफ्स को, कि लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाए ताकि वो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड कर सकें. सेटिंग अप अ ब्लड स्टोरेज सेंटर इन एफआरयूज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस. जो भी एफआरयू फर्स्ट रेफरल यूनिट सेंटर्स थे वहाँ पर ब्लड स्टोरेज की अरेंजमेंट की जाए, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस है उस हिसाब से. जननी सुरक्षा योजना, वंदे मातरम स्कीम, सेफ अबॉर्शन सर्विसेज. सेफ अबॉर्शन सर्विसेज भी आया इसमें न्यू इनिशिएटिव में, सेकेंड या से सेकेंड की बात हो रही है. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JASSK, ये सारी चीज़ें आई. सेफ अबॉर्शन सर्विसेज में लाइक मेडिकल मेथड आया, मेडिकल सेफ अबॉर्शन मेथड, इसमें मेफेप्रिस्टोन, मेजोप्रिस्टोल दिया गया, या फिर जो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन मेथड आया, तो ये सारी सेफ अबॉर्शन सर्विसेज में आई. ओके, इसके बाद RMNCH प्लस ए आया, जो कि लॉन्च हुआ 2013 में. RMNCH प्लस ए हैज बीन लॉन्च इन 2013. ये भी उसका एक मॉडिफाइड रूप था. इट इज अ स्ट्रेटजिक अप्रोच हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टिनम ऑफ केयर टू एंश्योर इक्वल फोकस ऑन वेरियस लाइफ स्टेजेस. इसमें जो कॉन्टिनम ऑफ केयर था, जो केयर प्रोवाइड करना था, वो उसमें इंश्योर करना था कि जो वेरियस स्टेजेज ऑफ लाइफ है उस पर इक्वल फोकस किया जाए. जो भी मीन्स मदर है, प्रेग्नेंट मदर जो है वो चाइल्ड को बर्थ दे रही है, तो जो बेबी है उस पर, न्यू बॉर्न बेबी है उस पर फोकस किया जाए. उसके बाद जो मीन्स उसका एज ग्रो हो रहा है, तो एज चाइल्ड एज में जो एज है उस पर फोकस किया जाए. फिर रिप्रोडक्टिव एज में जो एज है, मीन्स एडोलसेंट पे फोकस किया जाए. उसके बाद प्रेगनेंसी स्टेज में जो एज आ रही है उस पर फोकस किया जाए, मीन्स ऑल स्टेज पर इक्वल फोकस किया जाए. ये इसका जो मेन एम था. ओके, तो ये RMNCH की बात हो गई. RMNCH को देखा जाए तो बात करेंगे, आर मीन्स यहाँ पे हो जाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एम मीन्स मैटरनल हेल्थ. ओके, मैटरनल हेल्थ. एन मीन्स न्यूबॉर्न हेल्थ या न्योनेटल हेल्थ बोल सकते हैं, न्यूबॉर्न और न्योनेटल हेल्थ. हाँ, CH मीन्स चाइल्ड हेल्थ. A फॉर एडोलसेंट. ओके, एडोलसेंट हेल्थ, तो यहाँ से याद करने के लिए आसान है. ओके, तो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे. मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, मैटरनल हेल्थ के लिए और न्यूनेटल के लिए, चाइल्ड के लिए, एडोलसेंट के लिए कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. ओके, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की. तो जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रेन, टू एंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल. प्रमोट करना मदर और चिल्ड्रेन के हेल्थ को ताकि सेफ मदरहुड और चाइल्ड सर्वाइवल रेट है वो बढ़े. तो प्रमोट करना है चाइल्ड के सर्वाइवल को और सेफ मदरहुड को. ओके, टू रिड्यूस IMR एंड MMR और IMR को रिड्यूस करना, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन थ्रू रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, डिक्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट. अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है इसका पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना थ्रू रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के थ्रू. ओके, इसका मतलब है कि डिक्रीज करना टोटल फर्टिलिटी रेट, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको डिक्रीज करना. ओके, मेन ऑब्जेक्टिव है.
इंटरवेंशन एंड कॉन्सेप्ट टू आरसीएच। आरसीएच का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी उसको प्रिवेंट करना और मैनेज करना। मैटरनल केयर, देर इज सेफ मदरहुड। मैटरनल केयर प्रोवाइड करना मीन सेफ मदरहुड प्रोवाइड करना। चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड को सर्वाइवल रेट को बढ़ाना। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरटीआईज और एसटीडी, जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज जो है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनको प्रिवेंट करना और उनको मैनेज करना। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ आरसीएच। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के कौन कौन से कंपोनेंट है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं आरएमएनसीएच प्लस ए। ओके, तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट है? तो मेन कंपोनेंट जो है फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरटीआईज एसटीडी एंड एड्स, एडोलसेंट हेल्थ। ओके, ये सारा आ गया आरसीएच कंपोनेंट में, लाइक सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल, एडोलसेंट हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ आरटीआई एसटीडी, फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग। ओके, अदर एक्टिविटीज क्या क्या आएंगे आरसीएच में? प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑन हेल्थ, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर डिफरेंस। काउंसलिंग प्रॉपर प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना और कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करना हेल्थ से रिलेटेड, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड और जेंडर डिफरेंस से रिलेटेड। रेफरल सर्विसेज ऑफ ऑल अबव इंटरवेंशन, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करना जो भी इंटरवेंशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर एडोलसेंट, एडोलसेंट के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग और सॉरी ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रोवाइड करना, प्रॉपर ग्रोथ असेसमेंट करना, न्यूट्रिशनल एजुकेशन देना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में एजुकेशन करना स्पेशली एडोलसेंट को। आरसीएच पैकेज फॉर वेरियस सर्विसेज, आरसीएच पैकेज क्या क्या था वेरियस सर्विसेज में, मीन्स वेरियस सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। आरएमएनसीएच में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमने बताया था, तो बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइक बर्थ स्पेसिंग मेथड पे फोकस किया गया। बर्थ स्पेसिंग मेथड मीन्स उनको मीन्स एजुकेट करना है कि एटलीस्ट वन से फर्स्ट से सेकेंड चाइल्ड के बीच में कितने ईयर का स्पेस होना चाहिए, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर का गैप होना चाहिए। तो बर्थ स्पेसिंग मेथड फॉलो करना, स्टरलाइजेशन प्रोसेस, सेफ एमटीपी सर्विसेज, सेफ एमटीपी सर्विसेज, मल्टीपल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, होम डिलीवरी ऑफ कंट्रासेप्टिव्स बाई आशा, आशा के द्वारा होम डिलीवरी करना कंट्रासेप्टिव्स का, प्रेगनेंसी किट प्रोवाइड करना, आईयूसीडी अवेलेबिलिटी, इंट्राउटराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस की अवेलेबिलिटी होना, ये सारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आएंगी। फिर उसके बाद फॉर द मदर, सेफ मदरहुड कंपोनेंट्स, मीन्स आरएमएनसीएच में सेकेंड है मदर कंपोनेंट। तो मदर कंपोनेंट में क्या क्या था? अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एंटीनेटल मदर, सबसे पहले अर्ली रजिस्ट्रेशन कराना सभी प्रेग्नेंट मदर का। मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप्स, मिनिमम 3 एंटीनेटल चेकअप्स के लिए बोलना, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था एंटीनेटल विजिट्स के लिए कब कब बोलना है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस, इम्यूनाइजेशन मीन्स टिटनेस के अगेंस्ट इम्यूनाइज कराना मदर को। अगर फर्स्ट बेबी है तो 2 डोज ऑफ टीटी एंड अगर सेकेंड बेबी है तो बूस्टर डोज देना। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया है तो उसको प्रिवेंट करना और ट्रीट करना, इसके लिए आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं एंटीनेटल पीरियड में। ओके, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैटरनल कॉम्प्लिकेशन एंड रिफरल, अगर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना और रिफरल करना प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर असेसमेंट के लिए। डिलीवरीज बाई ट्रेन पर्सनल, डिलीवरीज ट्रेन पर्सनल के द्वारा। प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना। मैनेजमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी को मैनेज करना। मिनिमम 3 पोस्टनेटल चेकअप, 3 एंटीनेटल चेकअप एंड 3 पोस्टनेटल चेकअप। ओके, बर्थ स्पेसिंग, बर्थ स्पेसिंग के बारे में उनको एजुकेट करना। ये सारी चीज़ें थी मदर के लिए, मदर कंपोनेंट्स में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, एजुकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, असेसमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, अब बात आती है चाइल्ड सर्विसेज की। तो फॉर चाइल्ड सर्विसेज, चाइल्ड सर्वाइवल कंपोनेंट्स, इसमें चाइल्ड सर्विसेज में आरएमएनसीएच में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, न्यूनेटल और न्यूबॉर्न हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ। ओके, तो हमने यहाँ पे बताया है न्यूबॉर्न और चाइल्ड को मिक्स करके, मीन्स न्यूबॉर्न और चाइल्ड को साथ में यहाँ पे बताया है, आप चाहे तो अलग अलग भी पढ़ सकते हैं।
न्यूबॉर्न की बात करें तो द एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ एंड वीनिंग आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज, मदर को एजुकेट करना कि वो 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीड कराएं। इसके अलावा आफ्टर 6 मंथ वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या वीनिंग कर सकती हैं। सेफ़ होम डिलीवरी, होम डिलीवरी अगर हो रही है तो सेफ़ होम डिलीवरी प्रोवाइड किया जाए, ऐसा प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखे मदर को 7 डेज तक। ओके, रिससिटेशन फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल इन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में रिससिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। जेंटामाइसिन फॉर प्रीटर्म बेबी, अगर प्रीटर्म बेबी है तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उनको जेंटामाइसिन प्रोवाइड किया जाए। चाइल्ड की बात करें तो आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दिया जाए 100 डेज पर ईयर। ओके, 100 डेज, एक ईयर में 100 डेज के लिए उनको आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाए, जिसमें अगर 5 मंथ से 5 ईयर तक का बेबी है, बच्चा है, तो उसको आयरन लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। तो आयरन जो प्रोवाइड किया जाता है वो 20 मिलीग्राम होता है, और फोलिक एसिड जो प्रोवाइड किया जाता है वो 100 माइक्रोग्राम होता है। तो ये 5 मंथ से 5 ईयर तक के बेबी के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, 100 डेज पर ईयर के हिसाब से इसमें देते हैं। इसके अलावा 5 ईयर से 10 ईयर्स की बात की जाए तो आयरन 30 मिलीग्राम प्रोवाइड करते हैं, और फोलिक एसिड 250 माइक्रोग्राम, ओके 250 माइक्रोग्राम प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो आयरन प्रोवाइड किया जाता है मीन्स सप्लीमेंट एलिमेंट्री आयरन यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और मदर को भी प्रोवाइड किया जा रहा था। तो जो यहाँ पे आयरन होता है, यहाँ पे जो चिल्ड्रन को आयरन दिया जाता है वो ब्लू कलर की गोली होती है, ओके, और जो मदर को प्रोवाइड किया जाता है वो रेड कलर की गोली होती है। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ओके, एग्जाम में कभी कभी पूछा भी जाता है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज, ओके, इम्यूनाइजेशन कराना 6 किलर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जो है, लाइक डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए इम्यूनाइज कराना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, ओके। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया एंड ओआरटी, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना डायरिया का, और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करना, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसको मैनेजमेंट करना, विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस प्रोवाइड करना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसके अलावा आया था, ओके, स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो चाइल्ड कंपोनेंट में आएंगी, चाइल्ड सर्वाइवल में आएंगी। इसमें क्या क्या आएगा, इम्यूनाइजेशन अबाउट अगेंस्ट 6 किलर वैक्सीन, इसमें डीपीटी, ओके, मीजल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा जो वैक्सीन के लिए बोलेंगे उसमें हेप भी आएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए इम्यूनाइज कराना, और विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस देना, 9 मंथ पे देना, उसके बाद सबसिक्वेंट एजेज में उनको बोलना, बताना कि कब कब आपको विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस भी दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट डायरिया का करना, मीन्स ओआरटी जो दिया जा रहा है उस वो तो मतलब मैनेज तो करना ही है, मदर को एजुकेट करना है कि किस तरह से वो घर पे प्रिपेयर होम प्रिपरेशन कर सकती हैं ओआरटी की, और बेबी को दे सकती हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें चाइल्ड सर्वाइवल में आ जाएंगी, कंपोनेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं आर एम एन सी एच हो गया, इसके बाद ए की बात करते हैं। तो ए मीन्स एडोलसेंट हेल्थ, ओके, एडोलसेंट की बात करें तो इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे फोकस किया गया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड की गई, इसमें सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए आशा वर्कर के द्वारा। तो इसके बाद आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया गया, अवॉइड प्रेगनेंसी इन एडोलसेंट एज में उनको एजुकेट किया गया कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, और सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। तो ये सारी चीज़ें एडोलसेंट हेल्थ में आ गई। लाइफ साइकिल अप्रोच की बात करें तो वो इसमें जो लाइफ साइकिल अप्रोच हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आरसीएच पैकेज सर्विसेज, अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंश्योर अ हेल्दी बेबी, हेल्दी प्रेगनेंसी एंश्योर करता है हेल्दी बेबी को, अ हेल्दी चाइल्ड ग्रोज अप इनटू अ हेल्दी एडोलसेंट, ओके, गुड हेल्थ ड्यूरिंग एडोलसेंट ईयर लीड्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ईयर्स एंड द साइकिल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके। सबसे पहले हेल्दी मदर हेल्दी बेबी को जन्म देगी,
उसके बाद हेल्दी बेबी जो है वो ग्रो जब होगा एडोलसेंट में, एडोलसेंट क्या करेगा रिप्रोडक्टिव ईयर्स पे जाएगा और उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन चलता जाएगा। ओके तो यहाँ पे ये लाइफ साइकिल अप्रोच हो जाता है, मीन्स सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड से मीन्स एक मदर है सेफ मदरहुड से वो चाइल्ड सर्वाइवल को फॉलो करेगी, मीन्स चाइल्ड बर्थ देगी, चाइल्ड जो होगा वो सेफ एडोलसेंट हेल्दी एडोलसेंट बनेगा, हेल्दी एडोलसेंट के बाद वो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ शो करेगा, उसके बाद वो भी एक प्रेगनेंसी स्टेट में जाएगा, मदर बनेगा। मीन्स इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो साइकिल है वो चलती रहेगी। ओके तो ये लाइफ साइकिल अप्रोच में हो गया। तो ये था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विस। ओके थैंक यू।